Hello students, so today we are going to understand Ampere's circuital law, and as I can tell that Ampere's circuital law is analogous to Gauss law in electric field. तो electric field में जैसे कि मैं अपने पिछले question videos में बताया भी हूँ कि charge enclosed हमेशा देखते हैं, you don't have to derive everything, ठीक है, वैसे यहाँ पे current enclosed in the loop देखेंगे, ठीक है. तो पहले एम्पियर सर्किटल लॉ का एप्लीकेशन हमें करना है, बट एम्पियर सर्किटल लॉ क्विकली, वेरी क्विकली लेट्स सी, ठीक है. तो एम्पियर सर्किटल लॉ हमेशा इनफाइनाइटली करंट कैरिंग कंडक्टर के लिए एप्लीकेबल होता है, इनफाइनाइटली करंट कैरिंग कंडक्टर, ठीक है. नाउ इट सेज दैट विद इन अ लूप मैग्नेटिक फील्ड डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट I enclosed in the loop. I enclosed I'm going to write in short. So आप समझ रहे हो I enclosed in the loop. देखो यहाँ पे ये infinitely current carrying conductor है. You imagined you just assumed imaginary loop. ठीक है, ये जो dotted line है ये एक circular loop imagine कर लिया, जिसमें मैग्नेटिक फील्ड की यहाँ पे ये डायरेक्शन गलत हो सकती है. मैं बस ऐसे दिखाने के लिए कि B की कोई डायरेक्शन है, DL की कोई और डायरेक्शन है, एंड दोनों के बीच में कुछ एंगल बन रहा है, ठीक है, थीटा का. वही इसको अगर आप तोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, B DL नॉट वेक्टर, B का मैग्नीट्यूड इंटू DL cos थीटा इज इक्वल टू म्यू नॉट आई इनक्लोज्ड, ठीक है. एक चीज और ध्यान देना, करंट इज क्वांटिटी, जैसे करंट डेंसिटी पढ़े हो, राइट, इट फ्लोज इन अ क्रॉस सेक्शनल एरिया, ठीक है. जैसे ये वायर है ना, तो पूरे क्रॉस सेक्शनल एरिया में करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है. तो दैट प्रॉपर्टी वी आर गोइंग टू यूज व्हाइल अप्लाइंग दिस एम्पियर सर्किटल लॉ, ठीक है, ठीक है. चलो करते हैं ये वाला. सो बेसिकली समटाइम्स यू फेस डिफिकल्टी टू यू नो यू कीप मगिंग द फॉर्मूला, आप रखते रहते हो फॉर्मूला कि हाँ म्यू नॉट अपॉन 4πIr और वट एवर. सो समटाइम्स इन द एग्जाम इट इज नॉट वेरी डिफिकल्ट टू जस्ट क्विकली डू वन लाइन एंड सी वट इज आंसर. सो वी आर गोइंग टू एज्यूम दैट, ओके, फर्स्ट एप्लीकेशन इज मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाई ए सॉलिड सिलेंडर, इनफाइनाइट सॉलिड सिलेंडर. तो आपके पास ये सिलेंडर है, ठीक है, मान लो इसकी रेडियस है A, ठीक है, और इसमें क्या करंट फ्लो हो रहा है और ये इनफाइनाइट लेंथ का है, ठीक है. सो एम्पियर सर्किटल लॉ इज वैलिड एंड वी आर गोइंग टू यूज दैट लॉ टू फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन. जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड में करते थे ना, इनसाइड द कंडक्टर, ऑन द सर्फेस, आउटसाइड द कंडक्टर, ठीक है. तो इनसाइड पहले आउटसाइड निकालते हैं, मान लो यहां पर निकाल रहे हैं, तो ऐसे एक लूप मान लो, ठीक है, कितनी दूरी पे, कितनी r पे, r डिस्टेंस पे, ठीक है. यहां पे एक dl लेंथ का हमें एक स्ट्रिप मान लो, ठीक है. और एक चीज यहां पे b और मैग्नेटिक फील्ड और dl की डायरेक्शन आपको देखना है. बाय द वे ये वायर ऐसे है, मान लो ये पेन है, ये वायर है सिलेंडर वाला, करंट इज फ्लोइंग इन अपवर्ड डायरेक्शन, राइट, कैन यू सी अपवर्ड डायरेक्शन. नाउ दिस फिंगर थंब, सो फ्रॉम द राइट हैंड रूल थंब विल गिव यू द डायरेक्शन ऑफ करंट एंड मैग्नेटिक फील्ड्स डायरेक्शन विल बी गिवन बाय पाम, सो ऑल द फिंगर्स, राइट, कर्लिंग डायरेक्शन, कर्लिंग डायरेक्शन वुड बी मैग्नेटिक फील्ड. नाउ टेल मी वन थिंग, जो हमने लूप इमेजिनरी माना है वो ऐसे है, ठीक है, और यहां पे जो डीएल लेंथ काटा है उसका डीएल वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड का वेक्टर वो भी सेम डायरेक्शन में जा रहा है, राइट. देखो मैग्नेटिक फील्ड अगर यहां पे देखोगे तो ऐसे कर्ल करोगे तो मैग्नेटिक फील्ड विल गो इनसाइड द प्लेन ऑफ द बोर्ड और डीएल भी कहां जाएगा, उसी डायरेक्शन में, ठीक है. तो डीएल वेक्टर और क्या कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर की डायरेक्शन क्या है, सेम, सो एंगल बिटवीन देम वुड बी जीरो. सो एम्पियर सर्किटल लॉ सेज दैट म्यू नॉट आई इनक्लोज्ड, ठीक है. तो इसको जब सिंप्लीफाई करोगे, मैग्नेटिक फील्ड एट दैट पर्टिकुलर आर
कैन बी टेकन आउट ऑफ द इंटीग्रेशन बिकॉज उस पर्टिकुलर आर के लिए मैग्नेटिक फील्ड इज गोइंग टू बी फिक्स्ड, ठीक है, और अंदर क्या आ गया लूप में डीएल कॉस जीरो ऑफ कोर्स, ठीक है, म्यू नॉट आई इनक्लोज्ड, ये लूप कितना करंट इनक्लोज कर रहा है आई, राइट, तो आई एम गोइंग टू राइट आई, सो डीएल कितना हो जाएगा, एक बार बताओ, सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल, सर्कुलर लूप हमने इमेजिन किया, राइट, सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल कैन बी डिवाइडेड इनटू मेनी पार्ट्स, डीएल 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 डीएल, राइट, बट इंटीग्रेशन का मतलब एडिशन होता है, राइट, तो इंटीग्रेट करोगे सारे डीएल को, तो मतलब सारे डीएल को आप ऐड कर रहे हो, ठीक है, ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा, ये जो लूप डीएल है, सॉरी इंटीग्रेशन, ये इंटीग्रेशन पे अगर ये सर्कुलर साइन बना है दैट मींस इट इज फॉर द लूप, तो ये b into it all dl का समेशन हो जाएगा, that would be how much 2 pi r mu not upon i, ठीक, यहाँ से b कितना आ गया mu not upon 2 pi i upon r, let's just write this formula here mu not upon 2 pi i upon r, ये कहाँ के लिए है, जब r is greater than the radius of the this cylindrical wire, ठीक है, अब बताओ what would be the case at the surface, r equal to capital R a ले लो, ठीक है, ठीक है, surface पे तो आपको जो circular loop imagine किए हो it should reach till the surface only, तब भी current inflows कितना होगा I, dl का पूरा length कितना हो जाएगा 2 pi a instead of r, क्योंकि जो circular loop मानोगे it would be just enclosing like this, so wire हो गया cylindrical, so your circular loop will hold the wire, ये wire कैसे hold करेगा, ठीक है, तो b की value क्या आ जाएगी, बस यहाँ 2 pi a हो जाएगा, i same रहेगा, तो जो b की value आ जाएगी, क्या हो जाएगा, mu not upon 2 pi i upon a, right, b into 2 pi a हो जाएगा, क्योंकि जो circular loop माने हो, केवल उसी को enclose कर रहा है बस, तो यहाँ पे R is equal to A पे मैग्नेटिक फील्ड कितनी आई म्यू नॉट अपॉन टू पाई आई अपॉन ए, नाउ द टफ लिटिल टफ पार्ट इज कैलकुलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड अस इनफाइनाइट सॉलिड सिलेंडर, सो हाउ आर वी गोइंग टू डू दैट, ठीक है, मान लो अब ये जो लूप माने हो आउटसाइड, ठीक है, you have to assume that loop inside somewhere, ठीक है, यहां से एक्सिस से सेंटर से मान लो ऐसे लूप मान लो, ठीक है, मैं डॉटेड बनाना चाह रहा हूं, ठीक है, ऐसे कितने का आर रेडियस का, राइट, अब इस केस में आर इज लेस देन ए, ठीक है, अब बताओ अगेन सेम डीएल मानोगे और फिर से वो करंट वाले लॉस है, डीएल और मैग्नेटिक फील्ड सेम डायरेक्शन में होंगे, ठीक है, तो यहां से आ जाएगा बी बाहर आ जाएगा लूप का डीएल कॉस जीरो इज इक्वल टू म्यू नॉट आई, मैं सही लिखा हूं यहां पे म्यू नॉट आई, नो, क्योंकि जो लूप माने हो आप इट इज नॉट इनक्लोजिंग ऑल द करंट, ठीक है, तो ये आई डैश, ठीक है, और बी डीएल का इंटीग्रेशन पूरे का म्यू नॉट आई डैश, तो बी डीएल का इंटीग्रेशन अभी भी डीएल 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 पूरा और रेडियस कितना है सर्कुलर लूप का आर, तो क्या हो जाएगा 2 पाई आर, ठीक है, और ये हो जाएगा म्यू नॉट आई डैश, नाउ लाइक आई सेड इन द बिगनिंग आई करंट जो है वो एरिया क्रॉस सेक्शनल एरिया में फ्लो होता है पूरा, तो पाई आर सॉरी करंट जो फ्लो हो रही है वो पाई ए स्क्वायर एरिया में फ्लो हो रही है, कितनी करंट आई, राइट, तो यूनिट्री मेथड आपने सबने पढ़ा होगा कि जैसे नहीं कि वन यूनिट एरिया में कितना करंट फ्लो होगा आई अपॉन पाई ए स्क्वायर, आपको निकालना कितने में है पाई स्मॉल आर स्क्वायर में, तो पाई स्मॉल आर स्क्वायर यूनिट में कितना करंट फ्लो होगा आई अपॉन पाई ए स्क्वायर इंटू पाई R square. This method is very helpful. I into R square upon A square. ये किसकी value है? I dash की. तो I dash की value यहाँ पे रख दोगे.
वी इज इक्वल टू क्या आया, म्यू नॉट अपॉन टू पाई आई डैश अपॉन आर। तो अपॉन आर तो ठीक है, आई डैश की वैल्यू हम यहाँ पे रख देते हैं आई इंटू आर स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। ठीक है, वन आर इज कैंसिल्ड आउट, क्या बचा म्यू नॉट आई आर अपॉन टू पाई ए स्क्वायर। ठीक है, आ गया फॉर्मूला इनसाइड के लिए। आप ये रटते हो वहां पे, देखो ये सब करके ये माइंड में हो सकता है, जस्ट यू हैव टू बी इन द हैबिट ऑफ डूइंग दिस। ठीक है, लिटरली माइंड में, ऐसा नहीं कि सो ओनली टीचर्स कैन डू इट, नो यू कैन डू इट टू, एंड नॉट जस्ट फॉर दिस केस, वेरी डिफिकल्ट केस। ठीक है, एरिया करंट निकाल लो इनक्लोज के लिए, बी इंटू डी एल, ये मोस्टली टू पाई आर हो जाएगा और बस आपका आंसर आ गया। नाउ इन एग्जामिनेशन यू आर डायरेक्टली आस्क्ड अबाउट द कर्व, सो यू रिमेंबर दिस फॉर्मूला एंड दिस इज द केस फॉर व्हेन आर इज लेस देन ए। लेट्स प्लॉट इट, वाई एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड रख लेते हैं और एक्स एक्सिस पे डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। ठीक है, तो अंदर क्या है, टू पाई म्यू नॉट ए, रेडियस ऑफ द वायर कॉन्स्टेंट रहेगा, करंट जो फ्लो हो रहा है वो चेंज नहीं हो रहा है, B इज प्रोपोर्शनल टू R, ये B इज इक्वल टू एम इन टू आर लिख सकते हो, कोई कॉन्स्टेंट M is some constant, ठीक है, तो आप Y इज इक्वल टू एम एक्स वाला हो गया राइट। ये लाइन कहाँ से पास होती है, ओरिजिन से पास होगी। ठीक है, कहाँ तक, जब तक कि R इज इक्वल टू A ना हो जाए। ठीक है, उसके बाद R इज इक्वल टू ए पे ये मैक्सिमम होगी। ठीक है, ये वैल्यू क्या होगी, बी सरफेस। ठीक है, सरफेस के बराबर वाली वैल्यू पे आ जाएगी। उसके बाद कैसा रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन है, और इनवर्स रिलेशन को कहते हैं हाइपरबोलिक रिलेशन। कभी कभी इनवर्स रिलेशन ना देके ऑप्शन में हाइपरबोलिक रिलेशन दे दिया, तो यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट इट इज हाइपरबोलिक। ठीक है, हाइपरबोला की इक्वेशन होती है y इक्वल टू वन बाई एक्स। ठीक है, एक्चुअली ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कहते हैं इसे। ठीक है, तो यू जस्ट रिमेंबर इन द माइंड, ऑप्शन में दे दिया इनवर्स, हमेशा पढ़े हो इनवर्स होता है, अरे इनवर्स तो दिया नहीं है, तो पैराबोला लगा के ना चले आओ। ठीक है, तो ये इनवर्स रिलेशन में ऐसे इनफाइनाइट, जब r इनफाइनाइट हो जाएगा तो मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगी, जीरो, तभी इसको पैरेलल टू हॉरिजॉन्टल एक्सिस देते हैं, बिकॉज इनफाइनाइट कैन नॉट बी अचीव राइट, कहां जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका प्लॉट। अब बताओ अगर ये हॉलो सिलेंडर होता, ठीक है, तब कैसा प्लॉट आता। ठीक है, हॉलो सिलेंडर होता तो अंदर कोई करंट होती नहीं राइट, तो जैसे ये कॉम्प्लिकेटेड तरीके से डिराइव किए हैं हम इनसाइड के लिए, वहां पे म्यू आई इनक्लोज जो आई डैश लिखा था वो आई डैश जीरो हो जाता, तो इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाता, जीरो। ठीक है, कहां तक, सरफेस तक, और सरफेस पे फिर जंप करता है ये, बाय द वे डॉटेड लाइन ही ये वैल्यू हो जाती है अगर सॉलिड बनाता तो, और ये मैक्सिमम पे जंप किया सरफेस पे, और सरफेस के बाहर सेम रिलेशन, आर ग्रेटर देन ए पे सेम रिलेशन। ठीक है, एक केस और मैं जल्दी से बताता हूं, इस क्या कहते हैं उसे, एनुलर सिलेंडर अगर मानो, एनुलर का मतलब ये है इनसाइड हॉलो है और इसकी कुछ ना कुछ थिकनेस है, और ये इनफाइनाइट है और ये इनफाइनाइट है। अगेन देखो यहां से यहां तक क्या हो जाएगा, जीरो इनसाइड में, यहां पे कुछ ना कुछ होगा, बाहर कितना होगा, भाई जब कोई भी शेप का ये वायर हो उसमें करंट फ्लो हो रही है, अगर वायर के बाहर कोई मैग्नेटिक फील्ड पूछा जा रहा है ना, तो वो सेम होगा वही बी नॉट, बी इक्वल टू म्यू नॉट टू पाई आई अपॉन आर। ठीक है, क्योंकि आप लूप ले लोगे और सारा करंट इनक्लोज कर देगा वो। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू वही आ जाएगी, तो बाहर क्या होगा, सेम रिलेशन इनवर्स, आपको दिक्कत है इसमें राइट, तो अभी अभी बताया था बी इंटू टू पाई आर म्यू नॉट आई डैश, सॉरी आई डैश, वो वाला केस याद करो, अंदर वाला टू पाई आर तो हो जाएगा, मान लो आपने लूप यहां से यहां तक, अगर इनर रेडियस ए मान लो, आउटर बी मान लो, अगर तो यहां के लिए लूप ऐसे लोगे, तो यहां पे 2 पाई dl का इंटीग्रेशन तो 2 पाई r हो जाएगा राइट,
बट म्यू नॉट आई डैश, आई डैश कैसे निकालोगे एक बार बताओ, पाई बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर में करंट कितना है, इतने में करंट जा रही है ना, आई है, वन में कितना हो जाएगा, आई अपॉन पाई बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये चीज इरेज कर देते हैं, ठीक है। आपको निकालना कितना है आर स्क्वायर, ये रेडियस जनरल कितना माने हो आर, तो आपको निकालना है पाई आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर में निकालना है, तो उतने में कितना हो जाएगा, आई अपॉन पाई बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, पाई पाई कैंसिल, ये करंट आ गई आई डैश की वैल्यू, रख दो यहाँ पे बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन टू पाई आर, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, आई आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन आई बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, सॉरी पाई तो कैंसिल हो गया राइट, टू पाई आर, ऑलराइट। तो अगर इसके लिए कर्व बेसिकली अगर बनाओ गया तो ये ऐसे हो जाएगा, पहले जीरो रहेगा कहां तक, आर इज इक्वल टू ए तक, फिर आर इज इक्वल टू ए से बी, ए से बी इनसाइड दैट थिकनेस क्या हो जाएगा, ये कुछ ऐसे जाएगा, जंप करेगा कहां तक, आर इक्वल टू बी तक, कैसे देखो, अगर आर से आप डिवाइड भी करते हो ना इसको, तो आप लीनियर रिलेशन आएगा ऐसे मत सोचना, आर से डिवाइड करोगे तो यहां पे भी तो करोगे, तो ये आ जाएगा आर माइनस ए स्क्वायर अपॉन आर, सो ये कर्व क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन बनेगा बेसिकली, तो क्वाड्रेटिक है और तो इसका ऐसे अपवर्ड डायरेक्शन, ठीक है, इंक्रीज करेगा बी तक, फिर इनवर्सली डिक्रीज करेगा, बाहर तो सेम रिलेशन हो जाता है ना, म्यू नॉट अपॉन टू पाई आई बाई आर, कहीं भी एक बाहर लूप लोगे टोटल करंट आई इनक्लोज होगा, ठीक है, तो ये रिलेशन ऐसे हो जाएगा। ये तो हमने तीन केसेस पढ़े, ठीक है, यू जस्ट यू कैन रिवाइंड द वीडियो एंड वॉच इट, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, डू सब्सक्राइब टू द चैनल क्लियर योर डाउट, एंड फॉर मोर इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस, मोर देन 100 क्वेश्चंस आर डन, सो यू जस्ट गो थ्रू इट, रिवाइज इट, एंड यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन ऑफ द वीडियो, थैंक यू सो मच।